हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सेट्स, और वेन डायग्राम भी कहते हैं इसे हम। और इतना इम्पॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। मैंने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखे हैं, एसएससी, बैंक पीओ, कैट, या ट्वेल्थ के बाद जितने एप्टीट्यूड एग्जाम होते हैं, इवन रेलवेज, ये टॉपिक या तो आपका मैथमेटिक्स में आएगा, या रीजनिंग में आएगा, या डीआई का एक क्वेश्चन बन के आएगा। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और अगर हम इसे बहुत अच्छे से गहराई से समझ लेते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में, अगर मैथमेटिक्स में आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा या दो आएंगे, डीआई में आएगा तो वो पांच क्वेश्चन, रीजनिंग में आएगा तो वो पांच क्वेश्चन, तो हमारे इजिली कवर हो जाएंगे वो 5 से 10 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको हम आज बेसिक से करने वाले हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो डाला हुआ है एक टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन 3 सेट्स वाला, लेकिन मैं चाहता हूं आज ये आपको टॉपिक बिल्कुल बेसिक से ही करवाऊं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से एग्जांपल से। अगर मैं आपको कहूं एक क्लास है, और मैंने उस क्लास से पूछा कि आप में से मैथ्स कितने लोगों को पसंद है, तो उस क्लास में 80 लोगों ने हाथ खड़ा किया। मैंने काउंट किए, इवन वो 80 स्टूडेंट्स थे। फिर मैंने पूछा कि भैया आपकी क्लास में इंग्लिश कितने लोगों को पसंद है, तो 60 लोगों ने हाथ खड़ा किया। मैंने ऑब्जर्व किया, यार दोनों बार जब हाथ खड़ा किया गया, पहली बार तो 80 लोगों ने हाथ खड़ा किया 80 स्टूडेंट्स ने, और दूसरी बार 60 स्टूडेंट्स ने हाथ खड़ा किया। मैंने ऑब्जर्व किया, यार 20 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 80 के वक्त भी हाथ खड़ा किया और 60 के वक्त भी हाथ खड़ा किया, यानी कि वो 20 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मैथ्स वक्त भी हाथ खड़ा किया और इंग्लिश के वक्त भी हाथ खड़ा किया। तो यानी कि अगर मैं कहूँ टोटल स्टूडेंट्स हु लाइक एट लीस्ट वन सब्जेक्ट आउट ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स, तो हमारा क्या होगा आंसर 80 + 60 = 140? नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी तो हैं जिनको दोनों सब्जेक्ट पसंद है ना, तो वो 20 स्टूडेंट इस 80 के अंदर भी काउंट हो रहे हैं, और वो 20 स्टूडेंट इस 60 के अंदर भी काउंट हो रहे हैं। तो लॉजिकली अगर हम सोचें 80 + 60 = 140, और 20 की काउंटिंग दो बार हो रही है, यहां पे भी और यहां पे भी, करनी कितनी बार चाहिए, एक बार करनी चाहिए, तो हम क्या देंगे आंसर 80 + 60 - 20। तो मैं कह सकता हूं कि 120 लोग ऐसे हैं ना जिनको कम से कम एक सब्जेक्ट तो पसंद है। कम से कम एक का मतलब या तो एक पसंद है और या दोनों पसंद है। ये हो गया इस टॉपिक का बिल्कुल बेसिक। मैं दोबारा से वेन डायग्राम के थ्रू यही की यही चीज आपको समझाता हूं। उससे पहले एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा ए यूनियन बी का, क्या होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने देखा ध्यान से, ये फॉर्मूला तो आपने बचपन में रटा हुआ है ना कि ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आज आपको क्लियर भी हो गया कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी है वो माइनस क्यों किया, वही वाला लॉजिक, ये जो 20 की काउंटिंग है यहाँ पे भी हो रही है और यहाँ पे भी हो रही है। इसको पढ़ते क्या है ए यूनियन बी, या इसको पढ़ते हैं ए और बी, वो बच्चे जिनको या तो सब्जेक्ट ए पसंद है या सब्जेक्ट दो पसंद है, मतलब दूसरा सब्जेक्ट पसंद है, ठीक है ना, या उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको दोनों सब्जेक्ट पसंद है। तो ए यूनियन बी का मतलब है स्टूडेंट्स हु लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम ए एंड बी, और ए बी, और यहाँ पे क्या है ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दे सकता है वो एंड भी दे सकता है, ए एंड बी, जिसे ए भी पसंद है और जिसे बी भी पसंद है। तो ये फॉर्मूले का आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। मैं इसी चीज को वेन डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। तो यहां पे मैंने एक सर्कल लगाया, एक सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ्स को, और एक सर्कल रोल लगाया, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश को। आप बता सकते हैं मैंने इन दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट क्यों कराया, क्योंकि कुछ वैल्यूज ऐसे भी तो हैं जो मैथ्स के अंदर भी हैं और जो इंग्लिश के अंदर भी हैं, है ना, तो यहां पे कॉमन वैल्यूज आ जाएंगी। अभी मैं बनाता हूं अच्छे से। तो मैथ्स में कितने हैं बच्चों 80,
इंग्लिश कितने लोगों को पसंद है? 60 लोगों को पसंद है, है ना? और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों सब्जेक्ट्स पसंद है, वो कितने हैं? 20। बोथ वाले कितने हैं? 20। तो 20 मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि ये 20 इस मैथ्स के अंदर भी काउंट हो रहा है। ये देखो मैथ्स के सर्कल के अंदर भी आ रहा है और यही 20 इंग्लिश के सर्कल के अंदर भी आ रहा है ना। तो अगर मैं कहूँ ओनली मैथ्स, तो आप बता सकते हैं ओनली मैथ्स कहाँ पे है? ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन के अंदर सिर्फ वही वैल्यूज हैं जिन्हें मैथ्स पसंद है। तो कितना होगा? 80 माइनस 20, तो कितना हुआ बच्चों? ये 60 हो गया, है ना। और अगर मैं कहूं ओनली इंग्लिश, तो कितना होगा बताइए? पूरा इंग्लिश कितना है? 60 है, जिसमें से कॉमन वैल्यू कितनी है? 20 है। तो 60 माइनस 20 कितना हुआ? 40 हुआ। अब लेकिन मेरा पर्पस तो है ए यूनियन बी निकालना। ए यूनियन बी का अभी अभी मैंने क्या मतलब बताया? स्टूडेंट्स हु लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम ए एंड बी, जिन्हें ए या बी में से कम एक सब्जेक्ट तो पसंद है। तो ये 60 हैं जिनको सिर्फ मैथ्स पसंद है, ये 40 ऐसे हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश पसंद है, ये 20 ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है। तो टोटल कितना हुआ? 60 20 80 प्लस 40, तब भी आंसर तो क्या आया? 120 आया। अब आप ध्यान रखना, वेन डायग्राम में अगर दो वेरिएबल वाला वेन डायग्राम है, दो वेरिएबल है ना, मैथ्स और इंग्लिश, इसको जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो कितने पोर्शन निकल के आए? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीन पोर्शन निकल के आए। इन तीनों पोर्शंस का सम ही हमारा यूनियन होता है। इवन यूनियन का मतलब ही यही होता है कि जितने पोर्शंस बन रहे हैं ना उस वेन डायग्राम में अलग अलग, उन सभी का सम। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का मतलब इन तीनों का सम किया तब भी 120 आया। फॉर्मूले से किया तो ध्यान से देखो, ए या मैथ्स प्लस इंग्लिश, लेकिन ये वैल्यू दो बार काउंट हो रही थी तो आपने इसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो ये हमारा दो वेरिएबल वाला जो वेन डायग्राम होता है उसका फॉर्मूले के थ्रू भी लॉजिक है और वेन डायग्राम के थ्रू भी लॉजिक है। कई बार ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं होगा, तो उस केस में मुझे एक यूनिवर्सल सेट दिखाना पड़ेगा। सपोज इस क्लास में 10 बच्चे ऐसे होते जिनको ना तो मैथ्स पसंद था ना इंग्लिश पसंद था, तो वो 10 बच्चे इन तीन पोर्शन में आएंगे ही नहीं, वो तो यहाँ बाहर आएंगे। तो टोटल बच्चे तब कितने हो जाते? तब हो जाते 120 में मुझे 10 ऐड करना पड़ता, तब ये कितने हो जाते? 120 प्लस 10 130। तो अभी हमने बेसिक तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन टू वेरिएबल पे कई बार ना एक पास फिल वाला क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है और वो कई बार आया हुआ है। तो पहली बात हम पास फिल वाले का लॉजिक समझ लेते हैं। इस पास फिल वाले सब क्वेश्चंस में क्या होगा पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ, पास फिल में मेरे साथ क्या क्या हो सकता है? सपोज दो सब्जेक्ट हैं, पहले मैं दो सब्जेक्ट वाला समझा रहा हूँ क्वेश्चन, पास फिल वाला दो वेरिएबल वाला हम कैसे करते हैं। सपोज दो सब्जेक्ट हैं तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है? या तो मैं दोनों में पास हो जाऊंगा, है ना, एक कंडीशन ही हो सकती है, या मैं दोनों में फेल हो जाऊंगा, एक कंडीशन ये हो सकती है, और या मैं एक में पास और साथ साथ एक में फेल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीन ही चीजें हो सकती हैं मेरे साथ। या तो मैं दोनों सब्जेक्ट में पास होऊंगा, या मैं दोनों में फेल होऊंगा, और अगर मैं एक में पास हो तो साथ साथ मैं दूसरे में फिर क्या हूं? फेल हूं, ठीक है ना। ये तीन ही चीजें हो सकती हैं, ये हमें याद रखना है। अगर ये हमें याद होगा ना तो हमारे इस क्वेश्चन में कभी गलती हो ही नहीं सकती, हमें कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती, ठीक है। एक पास एक फेल, ये तीन ही कंडीशंस बनेंगी हमारे इन क्वेश्चंस में। इसके अलावा दो सेट वाले में पास फिल वाला जब कोई क्वेश्चन आएगा तो और कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती। अभी ये स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, ये आप देख लीजिए कैसे करना है इसको। ये क्वेश्चन क्या है? इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश। उसके बाद सेकेंड कंडीशन है 80% पास्ड इन मैथमेटिक्स, 10% failed in both the subjects,
If 144 candidate parts in both the subjects, find the total number of candidates. तो पहले आप खुद ट्राई कर लीजिए, इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं होता तो एक बार आप सॉल्यूशन को बोर्ड पे देखिए, देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। पहले तो दो सब्जेक्ट है, बना लेते हैं, आइए। 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, तो एक सर्कल मैंने बनाया इंग्लिश के लिए, ठीक है जी। और 80% पास्ड इन मैथमेटिक्स, तो एक सर्कल मैंने बनाया मैथ्स का, तो 70% इंग्लिश में पास है, 80% किस में पास है बोलो, मैथ्स में पास है। और क्या दिया हुआ है, 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। अब एक बात ध्यान रखनी है आपने, 70% तो चलो इंग्लिश हो गया, यहां पे कौन से बच्चे होंगे सोचो, मैं ये वेन डायग्राम पास में ही बना रहा हूं, तो यहां पे कौन से बच्चे होंगे जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए होंगे, और यहां पे कौन से बच्चे होंगे बोलो जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए होंगे, और यहां पे कौन से बच्चे होंगे जो दोनों में पास हुए होंगे, मानते हो इस बात को। तो यहां पे जो बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं तो वो साथ साथ मैथ्स में फेल ही तो है, और यहां पे जो बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं वो साइमल्टेनियसली इंग्लिश में क्या है, फेल है। तो यहां 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 अब तक क्या क्या आ चुका है, एक पास एक फेल और दोनों में पास, लेकिन अभी तक क्या नहीं आया है जो दोनों में फेल है। तो दोनों में फेल वाली वैल्यू इन तीनों पार्ट्स में नहीं आ सकती, वो इसके बाहर आएगी। वो हमें क्या दी हुई है, वो हमें कुछ दिया हुआ है 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो 10% हमारा यहां पे आएगा। इसका मतलब ये हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया, ये 10% अगर बाहर है तो इसका मतलब इन तीनों पार्ट्स का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90%, वो कितना होना चाहिए 90%, और लॉजिकली ये आ रहा है 70 + 80 = 150%। अब सोचिए 70 + 80 = 150%, कुछ वैल्यूज कॉमन है, आना तो 90% चाहिए, तो कितनी वैल्यूज कॉमन है सोचो, 150% - 90%, 60% वैल्यूज कॉमन है, मतलब 60% बच्चे दोनों में पास हुए हैं। रुकिए, शायद आपको अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या होता है बोलो, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंग्लिश यूनियन मैथ्स, ये मैं पास में वेन डायग्राम बनाया ना ये सर्कल, तो नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर पास इन इंग्लिश प्लस मैथ्स माइनस इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ्स, ठीक है। यूनियन वाला डेटा कितना है अभी बताया, अगर 10% दोनों में फेल है तो तीनों पार्ट्स का सम हमारा कितना होगा, 90%, वेरी गुड। इंग्लिश में कितने पास हैं, 70%, मैथ्स में कितने पास हैं, 80%, और कॉमन वैल्यूज हमें निकालनी है, तो इसको सॉल्व करके जो कॉमन वैल्यू है 80 + 70 150 में से 90 गए, 60% आ गया। और ये 60% में माइंड में वैसे ही निकाल सकता था, क्योंकि अभी आपकी शायद प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप क्या बोलोगे 70 + 80 या 150%, बनना तो 90 चाहिए, तो 60% वैल्यूज क्या है, कॉमन है, यहाँ पे ये 60% दोनों में पास है। अब क्वेश्चन में दोनों में पास कितना दिया हुआ है, पढ़ के देखिए क्या दिया हुआ है, 144 कैंडिडेट्स पास इन बोथ, तो टोटल का 60% दोनों में पास हुआ, और वो वैल्यू दे कितनी रखी है 144, इतना तो आपको परसेंटेज आता ही है, यहाँ पे 240 होता तो 24 × 6 = 144 होता है, तो टोटल जो वैल्यू आई वो 240 स्टूडेंट्स आ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि 240 स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ आ गया आपको कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 240। अब हम टू वेरिएबल वाला सेट तो वेन डायग्राम सीख चुके हैं, आप घर पे उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, और कोई भी डाउट आता है मुझे मेरे नंबर्स पे भेजना। अब हम और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, वो हैं थ्री वेरिएबल सेट के क्वेश्चंस। उसके लिए पहले हमें थ्री वेरिएबल सेट का अच्छे से बेसिक क्लियर होना चाहिए, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा फिर हम एडवांस क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। ओके, तो तीन वेरिएबल सेट स्टार्ट करते हैं, उसके लिए तीन सर्कल लगा लेंगे, वो तीन कुछ भी हो सकती हैं चीज़ें, जैसे सपोज कुछ बच्चों को आइसक्रीम पसंद है, चलो मैं लिख देता हूँ
आपकी खाने पीने की फेवरेट चीज़ें, और कुछ बच्चों को टी पसंद है ना, और कुछ बच्चों को कॉफ़ी पसंद है। तो पहले हम अलग अलग पार्ट को डिफाइन कर लेते हैं, हमें कितने हिस्से नज़र आ रहे हैं। जैसे टू वेरिएबल वाला सेट हमने सेट वाले क्वेश्चंस किए, तो उसमें हमें तीन हिस्से ही नज़र आए थे, याद है? पहले उसको भी थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, हल्का सा साइड में। जैसे टू वाला किया था, याद है? तो ये पोर्शन क्या था, ओनली ए था, ये पोर्शन क्या था, ओनली बी था, और ये पोर्शन क्या था, ए इंटरसेक्शन बी था, याद आया? अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, अभी हमारा फोकस किस पे है, थ्री वेरिएबल के सेट पे है। तो आप बता सकते हैं अलग अलग पोर्शन, ये जो सात पोर्शन नज़र आ रहे हैं इनकी नंबरिंग कर दूं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स एंड नंबर सेवन। इन सात हिस्सों की मैंने नंबरिंग कर दी, इन सातों हिस्सों का सम ही क्या होगा हमारे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी। सपोज मैं कुछ वैल्यूज फिल करता हूँ, ये जो पहला हिस्सा है ना, इसमें सपोज 20 है, तो इसका मतलब क्या, ये 20 लोग कौन है, सोच के बताइए। ये 20 लोग वही तो हैं जिन्हें क्या पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, सिर्फ आइसक्रीम। अगर मैं 20 यहाँ बाहर लिखता तो पूरे सर्कल की वैल्यू 20 होती है ना, यहाँ पे तो 20 मैंने यहाँ लिखा है, तो ये ओनली आइसक्रीम है। ये कौन सा पोर्शन है, ओनली आइसक्रीम, क्योंकि ना तो इसमें टी का सर्कल पास कर रहा है और ना ही इसमें कौन सा सर्कल पास कर रहा है, कॉफी का सर्कल पास कर रहा है। चलो मैं दूसरे पोर्शन को कुछ लिख देता हूँ, सपोज ये 10 है, अभी मैं वैल्यूज लिख देता हूँ फिर आपसे पूछूंगा। सपोज ये 15 है, ये 25 है, ये 5 है, ये 30 है और ये 40 है, ठीक है जी। ये 15 लोग कौन है बता सकते हो, ये 15 लोग वही तो हैं जिन्हें सिर्फ क्या पसंद है, ओनली टी, सिर्फ चाय पसंद है। क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ से आइसक्रीम का सर्कल पास कर रहा है यहाँ, ना ही यहाँ से कौन सा सर्कल पास कर रहा है, कॉफी का। और ये 40 लोग कौन है जल्दी बताइए सोच के, यस, जिन्हें क्या पसंद है, कॉफी पसंद है। यहाँ तक आ गया समझ? अच्छा, इन 5 लोगों के बारे में तो बताइए, ये 5 लोग कौन से हैं जिन्हें तीनों चीजें पसंद है, उन्हें आइसक्रीम भी पसंद है, उन्हें टी भी पसंद है और उन्हें क्या पसंद है, कॉफी भी पसंद है, ठीक है। अब आइए, वो पोर्शन बता सकते हो जिन्हें आइसक्रीम एंड टी पसंद है, आइसक्रीम एंड टी, ये 10 और 5 15, ये 15 लोगों को आइसक्रीम एंड टी पसंद है। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, आइसक्रीम इंटरसेक्शन टी, वो कितना है, 10 और 5 15। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आइसक्रीम एंड टी ओनली, वो कितने लोग होंगे, शाबाश बताइए। ये पूरा 15 तो है आइसक्रीम एंड टी, लेकिन कह रहा है सिर्फ आइसक्रीम एंड टी, उसमें कॉफी नहीं आनी चाहिए, तो वो पोर्शन ये हमारा 10 वाला ही है, तब होता 10। फिर ये 5 को हम काउंट नहीं करते, क्योंकि उस 15 में ये 5 ऐसे भी तो है ना जिनको साथ साथ कॉफी भी पसंद है, तो हमें सिर्फ आइसक्रीम एंड टी चाहिए, तो ये 10 हो गया। अब आप इजीली मुझे बता दोगे, टी एंड कॉफी होता तो पूरा ये 35 होता, वेरी गुड। टी एंड कॉफी ओनली होता तो ये 30 होता, अभी बताया जैसे इसमें था, आया समझ? अच्छा आप बताइए, आइसक्रीम एंड कॉफी पूरा 25 और 5 30 हो गया, आइसक्रीम एंड कॉफी ओनली, वेरी गुड, 25 हो गया। समझ आ गया आपको अच्छे से? तो ये तीन वेरिएबल वाले वेन डायग्राम का बेसिक है। अब आप कहोगे कि टोटल बंदे बताओ जिन्हें कुछ ना कुछ तो जरूर पसंद है, या आइसक्रीम या टी या कॉफी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग एटलीस्ट वन ऑफ द थिंग फ्रॉम आइसक्रीम टी एंड कॉफी, तो एक तरह से उसने यूनियन पूछा हुआ है, और यूनियन का मतलब क्या बताया था, इस वेन डायग्राम के सभी हिस्सों का सम। इसमें कितने हिस्से नजर आ रहे हैं हमें, 7 हिस्से नजर आ रहे हैं। तो आइए सम करते हैं, 20 10 30, 30 और 15 और 5 20, ये हो गया 50, अब तक हो गया 50 और 30 80, 80 और 40 120, 120 और 25 145। देख लीजिए, आप खुद कर लीजिए, 20 10 30, 30 और 20
15 और 5 20 हो गया ना, 50 30 80 40 120 और 25 145। तो अगर मैं कहता ना इस क्वेश्चन में आइसक्रीम यूनियन कॉफी यूनियन टी, वो कितना होता जी 145। सपोज मैंने ये सर्वे क्लास में किया था और उस क्लास में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको इन तीनों में से कुछ भी पसंद नहीं था, सपोज वो 20 बच्चे थे, ठीक है, तो 145 प्लस 20 कितना हो जाता 165। ये यूनिवर्सल सेट आपने तब बनाना है, कुछ वैल्यूज ऐसी हो जो इनमें ना हो तब बनाने, तो बनाने की जरूरत भी नहीं होती कई बार, तो यहां तो जरूरत पड़ गई। 145 प्लस ये 20 भी हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, तो टोटल स्ट्रेंथ की अगर बात होती तो हमारा आंसर क्या होता 165। ये आपको बेसिक समझ आ गया होगा, मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूं जल्दी जल्दी। अगर पूछा होता आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, बताइए कितना हुआ 20 10 30 5 35 और 25 कितना हुआ 60। अगर पूछा होता ना आइसक्रीम तो पूरा सर्कल 60, और आइसक्रीम ओनली पूछा हुआ तो कितना हुआ 20। बोलो आया समझ अच्छे से। और अगर पूछा होता टी, आप बताइए टी कितना होता, पूरे टी के सर्कल को ऐड कर देते 15 5 20 और 30 50 और 10 60। अरे वाह, चाय वाले भी 60 है, सही बात है। कॉफ़ी वाले काउंट करें, कॉफ़ी वाले हो गए 40 30 70 5 75 और 25 100। जिनको कॉफ़ी पसंद है वो कितने हैं 100 हैं, ऐड कर लीजिए 40 30 70 5 75 और 25, 100 लोग ऐसे हैं जिनको कॉफ़ी पसंद है, और ओनली कॉफ़ी वाले कितने हैं 40 हैं, ठीक है। ये वेन डायग्राम आपको समझ आया, तीन का बेसिक। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना बचपन में तीन वाला, वो फॉर्मूला भी हम साथ साथ क्लियर कर लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या होता है वो फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए और बी के कॉमन, याद आया, माइनस बी और सी के कॉमन माइनस सी और ए के कॉमन प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन का सी का मतलब क्या बता रहा हूँ कि ये सातों हिस्सों का सम, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब सातों हिस्सों का सम, यानी कि अगर यहाँ वैल्यू पुट करनी शुरू कर दोगे ना आपका डिराइव भी हो जाएगा ये फॉर्मूला। ए का मतलब क्या है 1 + 2 + 5th पोर्शन + 4th पोर्शन, यहाँ ए की जगह ये पुट कर लो आप, बी की जगह क्या पुट कर लो 2nd पोर्शन 3rd पोर्शन 6th पोर्शन और 5th पोर्शन, और सी की जगह क्या पुट कर लो 7th 6th 5th और 4th पोर्शन। ए इंटरसेक्शन बी की जगह, ए एंड बी का कॉमन 2nd और 5th माइनस करना है, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब आपको 5th और 6th माइनस करना है, सी इंटरसेक्शन ए का मतलब 4th और 5th माइनस करना है, और ऐड क्या करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 5th पोर्शन ऐड करना है। सॉल्व करोगे तो ये सातों पोर्शन एक एक बार आ जाएंगे, मतलब यूनियन का फॉर्मूला आपका डिराइव भी हो सकता है, लेकिन डेरिवेशन की ज़रूरत तो नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे इस आइसक्रीम टी और कॉफ़ी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले का क्या मतलब है, आइसक्रीम यूनियन टी यूनियन कॉफ़ी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन आइसक्रीम यानी कि 60, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यानी कि 60, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉफ़ी यानी कि 100, माइनस ए एंड बी, तो ये 15 हो गया। ये देखिए आइसक्रीम इंटरसेक्शन टी और कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी 35 हो गया, यहाँ 35 आ गया, और सी इंटरसेक्शन ए करेंगे 25 और 5 30 आ गया, और कॉमन ऐड करेंगे 5, सॉल्व करके ये आपका 145 ही आ जाएगा। आई होप आपको तीन वेरिएबल वाले वेन डायग्राम का जो बेसिक है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अभी हमने तीन वेरिएबल वाले वेन डायग्राम का बेसिक समझ लिया, अब हम एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं उन क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ जो थोड़े से पहले आसान है, फिर थोड़े मुश्किल, फिर और मुश्किल, ठीक है जी। तो स्टार्ट करें, ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा ये वाला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग आर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 22 स्टूडेंट्स ऑफ ए कोचिंग सेंटर हु अपीयर्ड फॉर कैट। 15 students got calls from IIM Ahmedabad, 12 students got calls from IIM Bangalore,
and 8 students got calls from IIM Calcutta. 6 students got calls from A and B, yani ki Ahmedabad and Bangalore. 7 students got calls from B and C, Bangalore and Calcutta. And 4 students got calls from A and C, Ahmedabad and Calcutta. And last condition is, if 4 students got calls from all the 3 IIMs, find how many. There are various 5 questions. First question is, find how many students got calls from IIM Ahmedabad. Second question is, from IIM Calcutta only. Third question is, from IIM Bangalore only. And fourth question is, from exactly 2 IIMs. And last question is, call from more than only IIM. Okay, ye mere haath mein question hai, to main aapko step by step pura diagram bana ke dikhata hu. Aapne conditions ko saath saath padhna hai. Aapne hopefully screenshot le liya hoga is question ka. To question kya hai, 3 colleges hain, kaun kaun se bachchon, Ahmedabad, Bangalore, A for Ahmedabad, B for Bangalore and C for IIM Calcutta. तो 3 कॉलेजेस मैंने ले लिए. तो अगर हमें सबसे पहले वो वाली कंडीशन दे रखी है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तीनों कॉलेजेस से कॉल आई है, तो उसको हम सबसे पहले ही फिल कर लेंगे. आप लास्ट लाइन पढ़ो, ये हमें दिया हुआ है कि 4 स्टूडेंट गॉट कॉल्स फ्रॉम ऑल द 3 कॉलेजेस. तो यहाँ मैं 4 पहले से ही भर लेता हूँ, इससे मुझे आसानी हो जाएगी. अब क्या दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जी, 22, क्योंकि पहली लाइन में दिया हुआ है ना 22 स्टूडेंट गॉट कॉल्स फ्रॉम फ्रॉम ए कोचिंग सेंटर फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस, ये कुछ दी हुई है ना कुछ कंडीशंस. अच्छा, पहली कंडीशन क्या है, 15 स्टूडेंट गॉट कॉल्स फ्रॉम अहमदाबाद. अब अहमदाबाद दिया हुआ है या अहमदाबाद ओनली दिया हुआ है, अहमदाबाद दिया हुआ है तो अहमदाबाद के पूरे सर्कल की वैल्यू 15 है. अगर ओनली दिया होता तो यहाँ 15 लिखता. अब ये बात की क्लैरिटी आपको मैं पहले भी कर चुका हूँ. फिर क्या दिया हुआ है, 12 स्टूडेंट गॉट कॉल्स फ्रॉम बेंगलोर, तो ये 12 बाहर ही आएगा. अगर बेंगलोर ओनली होता तो फिर ये अंदर लिखता, ठीक है जी. 8 स्टूडेंट गॉट कॉल्स फ्रॉम IIM कैलकटा, तो कैलकटा के पूरे सर्कल की वैल्यू 8 है, ठीक है जी. 6 स्टूडेंट गॉट कॉल्स फ्रॉम ए एंड बी. अब बताओ ए एंड बी का मतलब होता है ये पूरी लीफ, इस पूरी लीफ की वैल्यू 6 है, जिसमें से ये ऑलरेडी क्या है 4 है, तो बचा हुआ 2 क्या हुआ, अहमदाबाद एंड बेंगलोर ओनली. यानी कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ अहमदाबाद एंड बेंगलोर से ही आई है. अगर अहमदाबाद एंड बेंगलोर हो फिर 2 और 4 6 है, ओनली है अहमदाबाद एंड बेंगलोर ओनली है, तो फिर वो 2 हो जाएगा माइनस करके. ये बात आप समझ गए. अगली कंडीशन पढ़ते हैं, 7 स्टूडेंट गॉट कॉल्स फ्रॉम बेंगलोर एंड कैलकटा. बेंगलोर एंड कैलकटा की लीफ की वैल्यू 7 है, जिसमें से ये ऑलरेडी 4 है, तो ये कितना हो गया जी, 3 हो गया. 7 - 4 = 3 हो गया. और एक और कंडीशन भी है, 4 स्टूडेंट गॉट कॉल्स फ्रॉम ए एंड सी. ए एंड सी ये 4 है, ये 4 तो ऑलरेडी है ही, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया. मतलब कोई भी बच्चा ऐसा होगा ही नहीं जिसको सिर्फ अहमदाबाद एंड कैलकटा से कॉल आई हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब हम बाकी पोर्शंस को भी सॉल्व करते हैं. पूरा 15 है, जिसमें से ये 2 है, ये 4 है, तो 15 में से 2, 4, 6 गया, तो बचा हुआ ये कितना हुआ, 9. अगला सॉल्व करें, पूरा ये 12 है, 4, 2, 6, 3, 9, तो बचा हुआ कितना हुआ, 3 हो गया. और पूरा ये 8 है, 4, 3, 7, तो बचा हुआ ये कितना हुआ, 1 हुआ. पूरा वेन डायग्राम सॉल्व हो गया. अगर मैं इस वेन डायग्राम की वैल्यूज को ऐड करूं, 9, 2, 11, 3, 14, 4, 18, 3, 21 और 1, 22, और हमें स्टूडेंट्स कितने दिए हुए थे याद करो, 22 ही दिए हुए थे ना, तो सभी को कहीं ना कहीं से तो आई है कॉल, तभी इन सब का सम 22 आ रहा है. अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा दिया होता तो यूं भी दे दिया हो सकता था कि कुछ बच्चों को किसी भी कॉलेज से नहीं आई, लेकिन इसमें तो दिया ही नहीं हुआ, और ना ही अब हमें यूनिवर्सल सेट बनाने की ज़रूरत है. अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, अहमदाबाद ओनली से कितने लोगों को कॉल आई, तो कितना आंसर हो गया आप बताइए, 9. साफ दिख रहा है, 9 बच्चों को अहमदाबाद ओनली से कॉल आई. दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैलकटा ओनली से कितने लोगों को कॉल आई, 1 हो गया, ये देखो 1 ही नजर आ रहा है आपको. तीसरा क्वेश्चन है, बेंगलोर ओनली से कितने लोगों को कॉल आई, ये 3 हो गया, 3 आंसर हो गया. और चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल फ्रॉम एग्जैक्टली 2 IIMs. एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या है, ना तीनों से ना सिर्फ 1 से, तो वो कहाँ कहाँ है, ये 2 जो है
ये दो बच्चे कौन है एग्जैक्टली उनको अहमदाबाद एंड बेंगलोर से ही कॉल आई है, और ये तीन बच्चे कौन है एग्जैक्टली इनको बेंगलोर और कैलकटा से ही आई है, और ये शून्य तो शून्य ही है, इसका हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दो और तीन पाँच और जीरो पाँच आंसर हो गया, कॉल फ्रॉम एग्जैक्टली टू कॉलेज का आंसर क्या हो गया फाइव। और लास्ट क्वेश्चन है कॉल फ्रॉम मोर देन ओनली आईएम, मोर देन ओनली का मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन वन तो एक को छोड़ के दो वाले और तीन वाले, तो दो तीन पाँच और जीरो पाँच और तीन वाले भी पाँच और चार नौ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया नाइन हो गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब मुझे पढ़ाते हुए मैं 2001 से पढ़ा रहा हूँ लगभग, जो प्रोफेशनली पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले भी पढ़ाता था, वो प्रोफेशनली नहीं पढ़ाता था, घर पर ही दो चार बच्चों को, तो जब से मैं प्रोफेशनल लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है जो आप कराने जा रहा हूँ, ये लगभग हर एग्जाम में आया हुआ है। अभी पीछे SCS का पेपर हुआ, उसमें आया हुआ था, दो साल पहले सी सेट में आया हुआ था, तीन साल पहले आया मैं इंदौर में आया हुआ था, कैट में आ चुका है ये क्वेश्चन, MCA का एंट्रेंस हुआ करता था आज से काफ़ी साल पहले हरियाणा में, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, और इतने एग्जाम्स में आ चुका है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी, आपको अभी समझ आ जाएगा क्योंकि आपने मेरे से बेसिक अच्छे से समझ लिया है। तो क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, ये है आउट ऑफ द टोटल 120 म्यूजिशियंस इन ए क्लब 5% कैन प्ले ऑल द थ्री इंस्ट्रूमेंट्स गिटार वायलिन एंड फ्लूट, इट सो हैपन्स दैट नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले एनी टू एंड ओनली टू ऑफ द अबव इंस्ट्रूमेंट्स इज 30, फाइंड द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन, इट इज ऑल्सो गिवन दैट द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले द गिटार अलोन इज 40। तो मेरे सामने ये हाथ में भी है क्वेश्चन, तो मैं साथ साथ स्टेटमेंट्स को पढ़ूंगा और वेन डायग्राम बनाऊंगा। आप पॉज करके वीडियो को खुद भी कोशिश कीजिए, नहीं होता तो इस वीडियो सॉल्यूशन को देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, तीन इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास, तो हम तीनों का तीन सर्कल बना लेते हैं उनके लिए, ठीक है। टोटल म्यूजिशियंस कितने हैं 120, और इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से है बच्चों, गिटार है, कुछ गिटार बजाते हैं, कुछ वायलिन बजाते हैं, और कुछ क्या बजाते हैं जी, फ्लूट बजाते हैं। 5% तीनों इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, 120 का 5% निकालो तो कितना आएगा 6, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। आगे क्या दिया हुआ, इट सो हैपन्स दैट नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले एनी टू एंड ओनली टू इज 30, कोई भी दो और सिर्फ दो, वो क्या है 30 है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ नहीं है, एग्जैक्टली टू वाला डेटा ही है, और एग्जैक्टली टू मैंने क्या बताया था, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन तीनों का सम इसने इकट्ठा दिया हुआ है, कितना एनी टू एंड ओनली टू 30। मैं कुछ नाम रख देता हूँ इस पोर्शन का, एक्स रख दूँ, इस पोर्शन का नाम रख दूँ वाई, इस पोर्शन का नाम रख दूँ जेड, यानी कि आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड इकट्ठा ही 30 दिया हुआ है, अलग अलग से उसने वैल्यू दी नहीं आपको। और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले द गिटार अलोन इज 40। अब बताइए गिटार अलोन कहाँ है, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज 40, ठीक है जी। और निकालना क्या है, ध्यान से पढ़िए, वॉयलिन अलोन वाला डेटा और फ्लूट अलोन वाला डेटा, ये आपको निकालना है। तो कितना सिंपल है, आप खुद सोचिए, आपके पास टोटल वैल्यू कितनी है 120, तो 120 में से ये इन सभी सातों हिस्सों का सम 120 है, क्योंकि सब ये 120 कुछ ना कुछ तो बजाते हैं, ये हमें दिया हुआ है, तो 120 में से ये इन सातों हिस्सों का सम 120 है, तो उस सातों हिस्सों में से कुछ हिस्से तो हमें दिए हुए हैं, जैसे ये हिस्सा दिया हुआ है, तो 120 में से ये 40 माइनस कर दो, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इकट्ठा ही दिया हुआ है, तो ये 30 भी माइनस कर दो, और क्या माइनस कर दो, ये 6 माइनस कर दो, तो रह क्या गया ये सब माइनस करने के बाद, वायलिन अलोन फ्लूट अलोन वाला डेटा है ना, वही पूछा हुआ है क्वेश्चन में, क्या पूछा हुआ है, वॉयलेट अलोन फ्लूट अलोन वाला डेटा पूछा हुआ है, तो हो गया 40 30 70 और 6 76 माइनस करना है कितने में से 120 में से, तो कितना हो गया 44, तो
आंसर इस क्वेश्चन का 44 है और ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है। और एक चीज और बता देता हूँ, जब आसान लेवल पे ये क्वेश्चन आते हैं ना तो एग्जाम में वेन डायग्राम ऐसे दिए होते हैं और वैल्यू फिल करके दी होती है और पूछ लेता है वॉयलेट अलोन, फ्लूट अलोन, ये एसएससी लेवल पे जो रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं ये ऐसे इजी हो जाते हैं। और जरूरी नहीं है वेन डायग्राम बनाने के लिए सिर्फ सर्कल ही लगाओ, आप रेक्टेंगल भी लगा सकते हो, आप ट्रायंगल भी लगा सकते हो, वो एक स्टैंडर्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी लगा सकते हो। आई होप आपको टू वेरिएबल वाला वेन डायग्राम और थ्री वेरिएबल वाला वेन डायग्राम अच्छे से समझ भी आया होगा और मैंने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस भी लिए हैं। आप इसको कहना मेरा पार्ट वन, मैं अगले पार्ट में कुछ और एडवांस क्वेश्चंस के साथ आऊँगा जो हमारे और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, फिर उससे आगे मैं कोशिश करूँगा आपको फोर सेट वाला, फोर वेरिएबल वाला वेन डायग्राम भी आपको करवा दूँ। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल का नाम है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ फेसबुक पेज भी हैं, मैथ्स बाय कमल बजाज, इंग्लिश बाय हितेश बजाज एंड बजाज कोचिंग सेंटर। और मेरा पर्सनल नंबर भी लिख लीजिए 9813646268, इस पे आप अपने डाउट्स भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।